आगरा दिल्ली हाईवे स्थित रुनकता के पास बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही कैंटर चालक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि घंटों तक कैंटर चालक कैबिन में ही फंसा रहा। रोड से गुजर रहे राहगीरों ने घटना की जानकारी नेशनल हाईवे मोबाइल को दी। वहीं मौके पर पहुंची नेशनल हाईवे मोबाइल और राहगीरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कैंटर चालक के शव को बाहर निकाला गया। नेशनल हाईवे मोबाइल ने कैंटर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कैंटर चालक की पहचान गोविंदा निवासी मथुरा के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस ने मृतक के परिजनों को दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।